शासन द्वारा अमृत महोत्सव के अंतर्गत 11 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया जाएगा। नगरपालिका सेमो विकास डावर ने बताया कि नगरपालिका द्वारा शनिवार को एक रैली का आयोजन किया गया है। रैली की शुरुआत नगरपालिका बस स्टैंड मोटक्का चौराहा सुभाष चौक खरगोन रोड होते हुए पूरे नगर में भ्रमण कर जागरूकता का संदेश दिया, जो नगरवासियों को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने के लिए प्रेरित करने, जन सामान्य में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्र ध्वज के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने संबंधित संदेश दिए। इस रैली के लिए नगरपालिका अधिकारी कर्मचारी तथा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं में स्टाफ मौजूद था। आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके परिपालन में कलेक्टर सर के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में हर घर तिरंगा अभियान नगरपालिका सनावत क्षेत्र अंतर्गत 11 अगस्त से 17 अगस्त तक मनाया जाएगा। चूँकि यह अभियान जन जागरूकता के बगैर संभव नहीं है, अतः जो अभियान है उसके लिए विविध प्रकार के क्रियाकलाप जैसे सेल्फी पॉइंट होना, जन जागरूकता रैली का होना, विभिन्न संगठनों के माध्यम से बैठक के माध्यम से उन्हें जन जागरूक करना, मानव श्रृंखला इत्यादि के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा कि जो ध्वज संहिता है उसका पालन करें। और जो 11 तारीख से 17 तारीख तक जो अभियान चलाया जाएगा, हर घर में, हर प्रतिष्ठान में, हर संस्था में, हर कार्यालय में हर व्यक्ति अपने घरों पर तिरंगा लहराएं। तिरंगा लहराना उद्देश्य के साथ साथ उस तिरंगे का सम्मान भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें तिरंगे को जो फहराने के जो प्रोटोकॉल हैं ध्वज संहिता के माध्यम से, जैसे कि झंडा फहराते वक्त ध्यान रखा जाए कि केसरिया रंग ऊपर ही हो, झंडा आधा झुका हुआ ना लगे, झंडा फहराएं ऐसे पोल पे जिसमें कि पोल के बीच में झंडा ना फहराएं, एक ही पोल पे दो अन्य अलग अलग झंडे ना लगे रहें, तिरंगा झंडा हमेशा सर्वोच्च स्थान पर ही रहें, तथा अभियान की समाप्ति के पश्चात तिरंगे को अपने सम्मान के साथ अपने उतार कर रख ले रहे। चूँकि अभियान में हम जन जागरूकता के माध्यम से, पंपलेट के माध्यम से लोगों को तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित तो कर ही रहे हैं, ताकि साथ ही उन्हें ध्वज संहिता का पालन करने के लिए क्या क्या जो प्रोटोकॉल हैं उनको प्रोटोकॉल को भी बताया जा रहा है। सर, आज जो जन जागरूकता रैली निकली है, इसे किन किन लोगों का सहयोग रहा है? चूँकि जन जागरूकता रैली के माध्यम से हम शहर के लोगों को जागरूक करना चाह रहे थे, विशेषकर हमारे साथ में नगर पालिका के स्टाफ के साथ में रेवा गुजर कॉलेज के विद्यार्थी, उनका पूरा स्टाफ, पत्रकार साथी, कुछ जनप्रतिनिधि जुड़ते गए। जैसे जैसे रैली बढ़ती गई, जैसे जैसे जनप्रतिनिधि, पत्रकार साथी, नागरिकगण जुड़ते रहे और इस अभियान को सफल बनाया। तनावत से नीलेश मालाकार की ये रिपोर्ट।